गलवान संघर्ष के बाद पहली बार जब मोदी के सामने आए जिनपिंग ने मोदी की तरफ बढ़ाए कदम, फिर पीएम मोदी ने जो किया आज पूरी दुनिया देख रही है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। कल शाम को बाली के गरुड़ विष्णु केंकन कल्चरल पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष लजीज व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। उसी दौरान मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपने मेहमानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने जो व्यंजन आपके लिए बनाए हैं आप उसका आनंद लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डिश महानुभावों के लिए बहुत मसालेदार नहीं है। ठीक इसी समय इस भव्य हॉल में मधुर संगीत और लेजर शो के बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इस मुलाकात पर दुनिया भर की मीडिया की नजरें लगी हुई थी कि इन दोनों का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि जून 2020 में गलवान में चीनी सेना के विश्वासघात के बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हो गई थी। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में चीन के भी कई जवान मारे गए, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। चीन ने इस लड़ाई में अब तक अपने 5 जवानों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच अब तक कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई। हालांकि लद्दाख में तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर 11 बार मिल चुके हैं। इसके बाद चीन लद्दाख में कई जगहों पर अपनी सेना को विवाद से पहले वाली जगह पर ले जाने को राजी हुआ है। गलवान घाटी हिंसा के 2 साल होने के बाद भी अभी तक दोनों नेताओं की कोई मीटिंग नहीं हुई, और अब जब ये दोनों नेता एक दूसरे के सामने आए तो पूरी दुनिया देख रही थी। दरअसल राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी दिखे उन्होंने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। इसके बाद पीएम मोदी ने भी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग से कुछ देर बातचीत भी की। मोदी जिनपिंग की इस मुलाकात के दौरान वहाँ शी जिनपिंग की पत्नी भी मौजूद रही। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ असहज नहीं देखने को मिला। इन दोनों की मुलाकात कूटनीतिक औपचारिकताओं से दूर सुकून भरे एक माहौल में हुई, जहाँ कूटनीतिक गप, डिनर, लेजर शो और म्यूजिक साथ साथ चल रहा था। G20 के नेता डिनर के साथ इंडोनेशिया की समृद्ध नृत्य परंपरा का आनंद भी उठा रहे थे। दोनों नेताओं के बीच जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष के बाद यह पहला हैंडशेक है। इस लिहाज से एक संक्षिप्त मीटिंग का काफी कूटनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। इन दोनों ही नेताओं ने इंडोनेशिया की परंपरा से जुड़ी एक शर्ट पहन रखी थी। ये मुलाकात हालांकि कुछ ही देर की रही, लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब शी जिनपिंग तानाशाही रवैया दिखाकर तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने हैं, और भारत की ओर से अभी तक जिनपिंग को औपचारिक तरीके से कोई भी बधाई संदेश नहीं दिया गया। बता दें कि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी लद्दाख में गतिरोध की शुरुआत के बाद पहली बार समरकंद के उज्बेक शहर में शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमने सामने आए थे, लेकिन तब दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात तो दूर की बात, तब दोनों की आंखें तक नहीं मिली थी, लेकिन खबरों के मुताबिक अब मोदी और जिनपिंग G20 समिट से अलग बातचीत भी कर सकते हैं। डिनर से कुछ घंटे पहले ही पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया था और कहा था कि मैं इंडोनेशिया और बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही एहसास होता है, मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूँ। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है।